IIST इंडिया का नंबर वन जन्नत इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ जी, आपका मिसाइल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, सैटेलाइट के अंदर इंटरेस्ट है, देन IIST आपके लिए। हाँ जी, अगर आपको पता नहीं है IIST स्टार्ट क्यों किया गया, कैसे स्टार्ट किया, इसका स्टार्ट करने का विजन क्या था, या फिर IIST बेसिकली करना क्या चाहता है, इसरो का क्या एम है भैया, हाँ जी, इसरो क्या बनाना चाहता है, वैसे ऐसा कि उसने IIST इतने लाखों करोड़ों रुपए लगा के स्टार्ट किया है, इतनी सारी फैसिलिटी दे रहा है आपको, हमारा ये इसरो का नया प्रोजेक्ट का वीडियो दिखाना चाहिए, जिसके अंदर पूरा हमने एक्सप्लेन किया भैया IIST क्यों स्टार्ट किया इसरो के साइंटिस्टों ने, हाँ जी, कैसे स्टार्ट किया, कितने सारी इश्यूज आए, फिर भी इसरो जो है आज पूरी दुनिया के अंदर एक ब्रांड बन चुका है। खैर, आज बात करेंगे IIST के एडमिशन प्रोसेस की। हाँ जी, आपने अगर JEE एडवांस का एग्जाम दिया है, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, लास्ट राउंड तक एडमिशन कितने रैंक तक हो जाएगा, डोंट वरी, इसका शुरू से शुरू करते हैं। IIST का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था जब JEE एडवांस का रिजल्ट आया था भैया, सुबह 10 बजे 18 जून को, इसका वैसे लास्ट डेट आपके लिए रखा गया 28 जून, 28 जून। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, अभी जल्दी से जाके रजिस्टर कर दो, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं भैया, आजकल तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। वैसे एरोस्पेस सेक्टर की बात की जाए, आज दुनिया का नंबर वन ग्रोइंग फील्ड है ये। हाँ जी, आज देश के अंदर 2800 फ्लाइट से ज्यादा, 3000 फ्लाइट्स पर डे 24 घंटे के अंदर इंडिया के अंदर टेक ऑफ करती है और लैंडिंग करती है। हाँ जी, वैसे हमारा देश तो चांद पे जाने की बातें कर रहा है, इसके साथ में जो क्या है, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जैसे हमारी गाड़ियां चलती है सड़क के ऊपर, आज से 10 साल बाद में सारे के सारे लोग ड्रोन लेके चलेंगे भैया। ड्रोन के लिए ट्रैफिक रूल हो रहा होगा, किसको कैसे चलाना है ड्रोन, उसके लिए क्या रूल होगा, कैसे चलेगा, कहां पे चलेगा, हाँ जी, ये सारे का सारा प्रोसेस चल रहा होगा। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा अब बूम पे चल रहा है वैसे। हाँ जी, आपको भी ऐसी बहुत सारी समस्या आती है भैया, हाँ जी, मैं एरोस्पेस लू कि नहीं, मैं एवियोनिक्स लू या फिर मैकेनिकल लू, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कौन सा लेना चाहिए भैया, किसका फ्यूचर में कितना स्कोप है, 10 साल बाद किसमें ज्यादा जॉब है, ऐसा कहीं ना हो कि मैं कोई ब्रांच अभी करूं और 10 साल बाद वो ब्रांच ही बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स बिल्कुल खत्म कर दे, मेरे पास कोई नौकरी ना बचे, उस टाइम पे अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा भैया, हाँ जी, उस टाइम पे मेरे पास कहां से जॉब रहेगी, उसके लिए क्या करूं, हाँ उसके लिए कौन सा नौकरी करूं, उसके लिए कौन सा इंजीनियरिंग करूं, या BSMS करूं, IIT में मेरे को लोअर ब्रांच मिल रहा है, या फिर लोअर IIT में अच्छा ब्रांच मिल रहा है, IIST भी मिल रहा है भैया, एरोस्पेस भी मिल रहा है, कौन सा लेना चाहिए मेरे को, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। वैसे मेरा आइडिया तो स्टार्टअप करने का, इसके लिए क्या करूं मैं, मेरा आइडिया तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का है, इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए, डोंट वरी, इसके लिए हमने आपके लिए बनाया है दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम। इसके अंदर हम क्या सिखाते हैं भैया, इसके अंदर हम आपको पूरा कंप्लीट एडमिशन कराते हैं, कोई बात नहीं, आपको लोन लेना है पढ़ाई के लिए, आपके कॉलेजेस की लोन बहुत ज्यादा है, आपको बैंक वाला बहुत ज्यादा काटता है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए SBI के ऑफिसर्स लेकर आए, जो कि आपको समझाते भैया आपका इजीली लोन अप्रूव कैसे होगा। आप लल्लू लाल कॉलेजों में चले जाते हो भैया, तुमको वहां पे कुछ भी नहीं सिखाया जाता, कोई भी स्किल नहीं सिखाई जाती, कोई बात नहीं, हम आपको 4 साल का सपोर्ट भी दे देते हैं भैया, हम आपको वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, एनिमेशन, कंटेंट राइटिंग, हाँ जी, और इसके साथ में हम आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग और बहुत सारी फील्ड्स आपको हम फ्रंट एंड, बैक एंड डेवलपमेंट, हाँ जी, वेबसाइट डिजाइनिंग, UI UX डिजाइनिंग, सारा सब कुछ सिखा देते हैं। 4 साल बाद जब आप कॉलेज से निकलते हो तो आपके पास एक नौकरी रहती है भैया, कॉलेज के अलावा भी नौकरी, हाँ जी, बाहर भी नौकरी, हाँ जी, आपको एरोस्पेस में जाना है, कोई बात नहीं,
ड्रोन कैसे डेवलप करते हैं, ड्रोन कैसे चलता है, सारा सब कुछ हम आपको सिखाते हैं। भैया मैकेनिकल में हो कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर सिखा देते हैं। इलेक्ट्रिकल में हो कोई बात नहीं, हम आपको चिप डिजाइन करना, सर्किट डिजाइन करना और भी बहुत सारा बहुत कुछ सॉफ्टवेयर आपको हम सिखा देते हैं, वो भी सिर्फ एक पिज्जा के प्राइस के अंदर। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ मैं, पढ़े किस चक्कर में कोई नहीं आपके टक्कर में, जरूर से जाके इनरोल कर लो। अब बात करूंगा IAST की। भैया IAST में क्या होता है, आपके रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं 28 जून तक। हाँ जी 28 जून तक रजिस्ट्रेशन कर लो सारे के सारे। आपकी जो इंडिविजुअल जो रैंक होती है IAST की, हाँ जी भैया मेरी IAST में कितने नंबर पे पोजीशन है, मैं IAST में कितने नंबर पे अप्लाई करने वाला हूँ, मेरे से ऊपर कितने हैं, मेरे से नीचे कितने हैं, वो आपकी 29 जून को रिलीज कर दी जाएगी। हाँ जी भैया वहाँ पे 3 ब्रांचे हैं, एरोस्पेस, अवियोनिक्स और ड्यूअल डिग्री। मैंने किसको ऊपर तो नहीं रख दिया, किसको नीचे नहीं रख दिया, कोई बात नहीं, इसके लिए आपको 30 जून तक का टाइम मिलेगा उसको चेंज करने का। भैया आप वहां पे चेंज कर सकते हो। हाँ जी अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपका फर्स्ट अलॉटमेंट आएगा भैया। हाँ जी आपका फर्स्ट अलॉटमेंट 3 जुलाई के आसपास आ जाएगा। IAST के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो होता है भैया रीवैलिडेशन का। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं भैया, हर बार क्या करते हैं वो, अब रीवैलिडेशन को भूल जाते हैं। हाँ जी एकदम सो रहे हैं घोड़े बेच के। अब रीवैलिडेशन क्यों कराता IAST वैसे, ये 4-5 राउंड के बाद में वैसे आपको शेड्यूल में बताया जाएगा रीवैलिडेशन। अपने आप को फिर से साबित करो कि मैं अभी भी यहीं पे बैठा हूं, मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। इसका बहुत बड़ा रीजन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जोसा में चले जाते हैं, IAST, JAK दिल्ली, JAK चंडीगढ़, बहुत सारी काउंसलिंग में चले जाते हैं भैया। हाँ जी वो क्या करते हैं, वो दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उधर उधर सीट ले लेते हैं, इधर IAST की तरफ ध्यान नहीं देते। तो IAST क्या करता है भैया, तुमने कहीं सीट तो नहीं ले ली, अगर सीट ले ली है तुमने तो कोई बात नहीं, रीवैलिडेट मत करो तुम, और अगर तुमने सीट नहीं ली, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो हमको रिवैलिडेट करते जाओ। हाँ जी भैया मैं वैलिड हूं, मैं भी जाना चाहता हूं, अब तो ऐसे ऐसे आपका प्रोसेस चलेगा। आपका एडमिशन लास्ट क्लास से आपकी अगस्त के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद भैया कट ऑफ क्या रहेगा, हाँ जी कितने मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगा, अगर आपने JEE एडवांस का एग्जाम दिया है तो उससे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी IAST इंडिविजुअल रैंक दे देगा। अब टिल आपकी 29 तारीख तक, हाँ जी 29 तक आपको इंडिविजुअल रैंक मिल जाएगी। अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, हाँ जी आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, आपकी अगर IAST की रैंक 800-900 के आसपास आ रही है भैया, 850 के आसपास आ रही है तो कोई बात नहीं, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। हाँ जी आपको अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग चाहिए, इस एरोस्पेस का काफी ज्यादा इधर करेज रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं भैया मेरे को एरोस्पेस मिले, एरोस्पेस मिले, साइंटिस्ट बनू, अब्दुल कलाम बनू, चांद पर जाऊं, कोई बात नहीं, वो थोड़ा कठिन है, उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 700 के आसपास रैंक लाना पड़ेगा भैया, 750 के आसपास अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। SC ST OBC वाले कैटेगरी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा रैंक के अंदर डिस्काउंट मिलेगा आपको। हाँ जी वैसे अगर आपका JEE एडवांस के अंदर रैंक आ रहा है 8000 के लगभग, 7000 के लगभग आपका अगर आता है तो आप IAST के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हाँ जी तो ये था IAST का प्रोसेस। वैसे IAST के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हो तो हमारा एक न्यू वीडियो है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, या इसरो का नया प्रोजेक्ट IAST कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे रन हुआ, कैसे कैसे साइंटिस्टों ने स्टार्ट किया, बड़ी मस्त कहानी है, आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। आपको भी अगर इश्यू आ रहा है भैया, हाँ जी IAST से BTEC करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, IAT के अंदर तो इतना बड़ा बड़ा पैकेज मिल रहा है, अब क्या IAST में भी मिल पाएगा, हाँ जी या फिर अदर इंस्टीट्यूट भी तो है, आईसर है, नाइसर है, IIT है, NIT है, हमारा लल्लू लाल कॉलेज है, हाँ जी चंगू मंगू कॉलेज भी है आपके पास, उसके बाद में बहुत सारे और भी देश के अंदर पत्थर फेंक के मारोगे वहीं पे कॉलेज मिल जाएंगे, हम कौन सा लें, कोई बात नहीं, इसके लिए आपके पूरा कंप्लीट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बनाया है, इसमें आप लोग जरूर से जा सकते।